जैसे देख रहे हैं, ये है केसर। इसके पेड़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप शायद उस पर गौर नहीं किए। गौर से देख लें, ये केसर है और बारीक तरीके से आप देखें। आज मैंने इतना निकाला है झाड़ से जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वशीकरण सम्मोहन तिलक में काम आता है और ऐसे पेड़ों का पहचान हर कोई नहीं कर पाता है। तो आप देखें इसे और समझ सकते हैं कि आप केसर क्या होता है। एक केसर होता है जिसका खेती होती है और एक होता है केसर जो इसके बड़े बड़े पेड़ झाड़ होते हैं। उस पेड़ और झाड़ का नाम जफरान करके होता है। इसे आप कंटिन्यू देखें। जय माता दी। जैसे आप देख रहे हैं कि आज मैंने इतने सारे जफरान के पेड़ से मैंने ये फूल तोड़े हैं। इसी फूल से केसर बनता है। ये वो केसर नहीं है जो एक खेती होती है, ये वो केसर है जो जफरान के पेड़ से निकलता है और इसका सम्मोहन तिलक बनता है। ऑलमोस्ट इसके अंदर सिर्फ चंदन मिक्स करना होता है, इसे बारीक तरीके से पीसना होता है। एक जो मंत्र है वो मंत्र मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो अपने आप को भक्त बोलते हैं, यही लगाते हैं और सबको सम्मोहन के रूप में यूज करते हैं और इससे मोहित हो जाते हैं लोग। तो इतना सारा निकाला है मैंने, मतलब इसका तिलक बनाएंगे और एक ख़ास तौर पे जिसको ज़रूरत होगा उसको दिया जाएगा। तो कंटिन्यू आप इसे देखें। ये जफरान के पेड़ से है। जफरान का पेड़ उस दिन दिखाया था मैंने आपको और ऐसा पेड़ आपके नज़र में मिलता है, दिखाई देता है, तो आपको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो मंत्रों से इसे सिद्ध करते हैं। आपको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गिर रहा है। आप नॉर्मली तिलक भी बनाएंगे तो पब्लिक आपके फेवर में रहेगी, आपकी बातें मानेगी। इससे आपके संपर्क में आने वाले लोग प्रेम व्यवहार से रहेंगे। देखते जाएं, आपको अगर इच्छा है कि सम्मोहन तिलक बनाएं तो कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप इसे पत्थर पे घसना है। इस फूल को चंदन की लकड़ी के साथ में पत्थर पे घसना होता है। घस कर तिलक बना के डिब्बी में रख लें, जब भी इसका प्रयोग करेंगे काम में आएगा। जय माता दी।